आज 6 राज्यों के किसानों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगाई जाएगी 2500 किसान चौपाल। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को संबोधन। किसानों से भी होगी सीधी बात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त होगी जारी। 9 करोड़ किसानों के खातों में डाले जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए। यूपी के 18 जिलों में लगेगी 377 किसान चौपाल। किसानों के साथ मोहनलालगंज में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान दिल्ली के मेहरौली में रहेंगे मौजूद। होशंगाबाद में किसानों के साथ होंगे सीएम शिवराज। साध्वी प्राची ने ट्रैक्टर पर चढ़कर कृषि कानूनों का किया समर्थन। किसानों को बताया कानूनों के फायदे। जिनमें किसानों ने खुदा डिप्टी सीएम के लिए बनी हेलीपैड लगाए दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे। किसानों ने काटी जियो कंपनी के टावर की बिजली। लोगों से सिम बदलने की अपील। तीसवें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के चारों ओर डटे हैं किसान। अमृतसर में धरने पर बैठे दिल्ली के किसानों के परिजन। एसजीपीसी की ओर से 1000 बिस्तरे और वाटरप्रूफ टेंट का इंतजाम। बांग्ला संगीत मेले के कार्यक्रम में स्टेज पर थिरकी ममता बनर्जी। कहा बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी। क्रिसमस में चर्च पहुंची ममता बनर्जी। लोगों को दी क्रिसमस की बधाई। शांत किशोर के बाद अब मुकुल रॉय का दावा। कहा तिहाई तो दूर, दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने दी शुभेंदु अधिकारी को चुनौती। कहा 294 सीटों में कहीं भी लड़े होगी जमानत जब्त। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली। बोले बीजेपी में शामिल होना बिल्कुल सही फैसला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाजपेयी की पुस्तक का भी होगा विमोचन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बनाई 97 फीट पेंटिंग। पूर्व प्रधानमंत्री के 51 कविताओं को भी दी गई है जगह। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। योगी सरकार के खिलाफ लिखने पर दायर FIR खारिज। कोर्ट ने कहा राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल करना संवैधानिक अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 19 देता है स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी। मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यक्रम में होगी बेटियों की पूजा। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जारी किया है आदेश। गोवा के में क्रिसमस की धूम। आधी रात की प्रार्थना में शामिल हुए श्रद्धालु। बेलूर मठ में पारंपरिक अंदाज में मना क्रिसमस। यीशु के जन्मदिन पर काटा गया केक। कोलकाता के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में मिडनाइट मास। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। कोची में दिखा कोरोना का असर। मिडनाइट मास के लिए पहुंचे बहुत कम श्रद्धालु। मुंबई में भी क्रिसमस की रौनक। आधी रात प्रार्थना के लिए चर्च में पहुंचे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।